मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कल रात ही वीडियो बनाकर बताया था कि एजेंसीज द्वारा सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त फाइनली एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी कर ली गई है, और सही मायने में इस बार जो गिरफ्तारी की गई है इसका लिंक सुशांत सिंह राजपूत हत्या केस से भी जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि कुणाल जानी, जिसे कल के ही दिन एनसीबी द्वारा फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है, इसे एजेंसियां सवा साल से ढूंढ रही थी। ये एक होटेलियर है, और तो और सबसे बड़ी बात कि ये सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त भी था, और तो और इसके लिंक रिया चक्रवर्ती के साथ भी थे। और कुणाल जानी और रिया चक्रवर्ती के बीच की कुछ चैट्स भी पैसों और ड्रग्स को लेकर एजेंसीज ने बरामद भी की थी, जिसके ही बाद यह शख्स पूरे तरीके से फरार हो चुका था, अंडरग्राउंड हो चुका था। अब इसकी गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, और इसी कुणाल जानी को लेकर कोर्ट ने बेहद बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे एनसीबी के पास 4 अक्टूबर तक कस्टडी में भेज दिया है। यहाँ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये कुणाल जानी भी बिल्कुल इम्तियाज खत्री की ही तरह एक बेहद सस्पिशियस कैरेक्टर है सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इम्तियाज खत्री के भी बॉलीवुड कनेक्शंस बेहद मजबूत हैं, और इस कुणाल जानी के केस में भी ऐसा ही है। बड़े बड़े स्टार्स के साथ ऐसे क्लोज होकर फोटो खिंचवाना कोई आम बात नहीं होती है, ये आप लोग भी भली भांति समझ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो इसके लॉयर्स द्वारा तमाम तरीकों की दलीलें रखी गई और कहा गया कि इसके ऊपर जो भी चार्जेस एजेंसीज द्वारा लगाए गए हैं ये सभी के सभी बेबुनियाद हैं, और हमारा क्लाइंट निर्दोष है, जिस पर फिलहाल तो कोर्ट ने समर्थन नहीं दिया और 4 अक्टूबर तक इसे एनसीबी की कस्टडी में भी भेज दिया है। अब यहाँ देखा जाए तो ये बात मैंने आप सभी लोगों को कल भी आप सभी के साथ डिस्कस करी थी कि इसके जो चैट्स रिया चक्रवर्ती के साथ एजेंसीज ने रिट्राइव किए थे, अगर उनको सीरियसली लिया जाए और इसकी अच्छे से खातिरदारी कर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ विटनेस बनाया जाए तो ये सुशांत सिंह राजपूत केस का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और सिर्फ ड्रग मामले से ही नहीं, बल्कि 13-14 जून 2020, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ था, वो क्यों और कैसे हुआ था, इस रात से भी पर्दा उठाया जा सकेगा। इस मुद्दे पर मेरी नज़र बनी हुई है, इस पर जैसे ही कोई लेटेस्ट जानकारी निकलकर बाहर आती है मैं आप सभी को सूचित करता रहूँगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी विचार होंगे आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़कर हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।